Hey guys, Ashish here and welcome to Edutorial. So I'm sitting in this beautiful media studio of Jagran Lake City University. Aur agar aap ye video dekh rahe hain, there are chances that you are a CLAT aspirant and this is going to be a very important video for me. Because with today, mere saath do CLAT geniuses baithe hain who have scored really, really well in this year CLAT. With me is Yatharth Gupta and Siddhant Arya. So Siddhant has got all India rank 7. He is one of the top 10 in CLAT this year, while Yatharth is all India rank 434. So both of them are going to top national law universities. Congratulations, guy. Thank you, sir. So if you just want to talk something about yourself, just tell me, where are you from? Kya kya aapne? So sir, I'm Siddhant Arya. I did my schooling from Bhopal. 11th-12th PCM stream se kara. Right. सो पर क्या था कि 12th के बाद मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है. तो मैंने फ्रेंड से कंसल्ट करा, थोड़े मेंटर से बात करी, अपने स्कूल के टीचर से बात करी. तो उनने बताया कि एक लॉ एक फील्ड है जहाँ पे तुम जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक दो महीने की प्रिपरेशन कर सकते हो. सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई टुक लॉ एज एन ऑप्शन. कभी सोचा था ऑल इंडिया रैंक 7 टॉप 10 में आने का? नहीं सर, बस एम तो ये था कि टॉप 3 नेशनल लॉ कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए. तो दैट वुड बी मोर देन एनफ. सो अब तो बहुत अच्छा लग रहा है. हाउ अबाउट यू यथार्थ, आपकी लॉ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे सोचा कि क्लैट करना या लॉ करना है? सर एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही लॉ का है. ओके. मेरे ग्रैंडफादर और मेरे अंकल ऑलरेडी अभी जज हैं. ओके. एंड पूरा फैमिली मतलब ऐसा है कि लॉ से ही रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से. सो इट वॉज काइंड ऑफ एन ऑब्वियस चॉइस फॉर मी. और इंटरेस्ट भी था सर लॉ में. तो 11th-12th में एक्चुअली आई टुक PCM. आई वॉज एन आर्मी एंथुजियास्ट एट दैट टाइम. मुझे NDA के लिए ट्राई करना था तो उसके लिए आई टुक PCM. बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो कंसिडरिंग क्लैट एज वन ऑफ माई ऑप्शंस. तो 11th-12th आई डिड माई स्कूलिंग विथ PCM एज माई सब्जेक्ट. ओके. फिर उसके बाद सर आफ्टर 12th आई टुक अ ड्रॉप फॉर क्लैट. एंड सो बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम भोपाल, राइट? सो यहाँ पे दो मैसेज में जो मैं आपको देना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एज अ क्लैट एस्पिरेंट आपको हमेशा लगता है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, अगर आप कॉमर्स से हो तो ही आप अच्छा कर पाओगे. इफ यू आर समबडी फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, यू मे नॉट डू गुड. एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव ब्रोक दिस इमेज. सो ये दोनों PCMs हैं एंड दे हैव डन वेल. सेकेंड इज, वी आर सिटिंग इन द सिटी भोपाल, विच इज अ टीयर 2 सिटी ऑफ इंडिया. So second is that toppers can be from anywhere. It is not important that you are from Mumbai or from Delhi or from Bangalore to get into national law universities, irrespective of where you are preparing. Agar aap mehnat karte ho, achche se taiyari karte ho, to I think you can make it big, right? Yes. So second jo ek cheez important hai jo har bacche ke liye janna zaruri hota hai ki CLAT ke liye प्रिपरेशन का आइडियल टाइम क्या होता है, कितने टाइम हमें देना चाहिए क्लैट की तैयारी के लिए सो दैट हम अच्छे कॉलेजेस में जा पाएँ या अच्छा कर पाएँ? सर आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. अगर मतलब कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं क्लैट में जो थोड़े प्रायर नॉलेज आपसे रिक्वायर करते हैं, जैसे कि GK हो गया या इंग्लिश हो गया. इंग्लिश अगर किसी की पहले से अच्छी है तो उसका एक सेक्शन का बर्डन कम हो जाता है. GK अगर किसी का अच्छा है तो ऐसा उसका एक सेक्शन. GK एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें अपन हमको मतलब बहुत सारे एरियाज कवर करना पड़ते हैं. राइट. जैसे हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया. सो GK थोड़ा बास सब्जेक्ट हो जाता है. और अगर कोई स्टूडेंट अगर इन दो टॉपिक्स में अच्छा है तो उसका प्रिपरेशन टाइम 3 to 4 months कम हो जाता है. राइट. 3 to 4 months कम हो जाता है. बट आइडियली आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जनरली, किसी भी क्लैट एस्पिरेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं. एक होता है कि 12th के बाद दे कैन स्टार्ट. सेकेंड एक ऑप्शन होता है कि मे बी ड्यूरिंग देयर 12th और बिफोर दे कंप्लीट देयर 12th दे कैन स्टार्ट. सो आइडियली क्या एक साल सफिशियंट है? यस सर. हाँ, बिकॉज जनरली ना बहुत बार आप लोग मुझसे भी पूछते हो एंड दिस अ जनरल क्वेरी कि हाउ मच टाइम. सो इवन आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि 6 months to 1 year. आई थिंक क्लैट जिस एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, 50-60 हज़ार बच्चे बैठते हैं, वी हैव गुड 2,500 सीट्स इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज. सो आई थिंक गुड 1 year इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू. सो आपने कोचिंग किया है या सेल्फ प्रिपरेशन किया है? कोचिंग. सो बोथ ऑफ यू आर डन द कोचिंग. कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से आपने कोचिंग किया, कोचिंग का क्या इम्पैक्ट होता है क्लैट प्रिपरेशन में? तो हम दोनों ने ही सक्सेस एड कोचिंग है. ओके. भोपाल में इंस्टीट्यूट है. भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है. ओके. तो हमने वहीं से हम दोनों ने ड्रॉप लिया था. ओके.
और फिर वहीं से प्रिपरेशन करी. तो फ़ायदा यही हुआ कि कोचिंग में एक एनवायरनमेंट मिलता है, कोचिंग में टाइम मिलता है कि आप बच्चों के साथ 10 to 15 बच्चे होते हैं उनके साथ मिल के आप प्रिपरेशन कर सकते हो. तो एनवायरनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था प्रिपरेशन का. ओके, तो एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने सक्सेस अहेड, यू टोल्ड राइट, सक्सेस अहेड से आपने कोचिंग किया. यहाँ पे अगेन एक एक बैरियर जो ब्रेक करने वाला है कि आई थिंक सक्सेस अहेड इज नॉट अ नेशनल नेम. बट यू हैव डन वेल, सो आई थिंक इट इज. अच्छा, टेल मी अबाउट योर मेंटर्स. हु आर योर मेंटर्स? व्हाट दे हैव टॉट यू? What is their contribution? Do they have any contribution in your success? Yes, sir. Sir, हमारे mentor विश्वजीत दत्ता हैं. हमारे success head के director ही हैं वो. Okay. और प्रिया मैम हैं. वो भी director हैं. She was constantly. They both were actually right. constantly in उन्हें साथ में थे. पूरे year hard work किया उन्हें भी हमारे साथ. कुछ भी हो, कुछ भी doubts हो, notes provide करना, sheets provide करना, previous year papers के important questions provide करना. Right. एक पर्सनल टच आ जाता है सर सक्सेस साइड में. एक खास बात यही है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट अटेंशन है. अटेंशन है. ओके, सो बट ओवरऑल तो यहाँ पे कोचिंग की हमें एक रिक्वायरमेंट रही. हमें 6 महीने से 1 साल का टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है. थोड़ा सा सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लैट में वो है कि यू हैव 5 सेक्शंस. एंड पर्सनली कोई भी मेंटर वो रिकमेंड करता है कम से कम अगर 3 सेक्शन आपके अच्छे हैं, यू आर डूइंग better than the average, then only you have chances to go into national law universities. So what is your section wise strategy? आपकी sectional strategy क्या रही? So firstly हम GK start करते हैं. Okay. सर जी के में ऐसा था कि आपको पूरे साल भर आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं करंट अफेयर्स के. Correct. क्योंकि पता नहीं कुछ भी आ सकता है. Right. और ऐसा था कि करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जो उससे रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है. Right. हम दोनों ने ही नोट कॉपी पूरी नोट्स बनाए थे और उससे रिलेटेड स्टार्टिंग नॉलेज थी वो लिखते जा रहे थे. ओके. और फिर हिस्ट्री के लिए कोचिंग के नोट्स थे तो वो बहुत हेल्पफुल थे. जीके में सर आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाना इज़ अ मस्ट. नोट्स से काफ़ी हेल्प मिलती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेमोराइजिंग द न्यूज़. और सर ऐसा भी होता है कि जैसे जीके अगर करंट अफेयर्स कोई पढ़ता है तो ऑनलाइन अगर वो पढ़ता है तो ऑनलाइन काफ़ी सारी न्यूज़ मतलब बहुत ही अननेसेसरी टाइप की भी न्यूज़ आती हैं. तो वो एक सेंस डेवलप करना ज़रूरी है कि बहुत मतलब उन न्यूज़ को अवॉइड करके जो 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 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको आप सिर्फ उन्हीं को आप नोट्स में लिखो. तो यहाँ पे अगर राधा मैं आपसे ये पूछूँ कि व्हाट आर दी गुड सोर्सेज टू गेट दोज न्यूज़, क्योंकि एट टाइम्स हमें नहीं पता कि हम किस सही जगह पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं या जो हम जिस जगह पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम मे बी. तो व्हाट आर दी गुड सोर्सेज फॉर जीके और लाइक जीके डेली जीके न्यूज़? करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक देर आर सर्टेन वेबसाइट्स. जी के टुडे एक है, अफेयर्स क्लाउड एक है, बैंकर्स अड्डा एक वेबसाइट है, वो भी इट्स गुड फॉर करंट अफेयर्स. एंड आई पर्सनली आई चोज न्यूज़पेपर आल्सो. आई यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर सो दैट आई शुड राइट इट डाउन ऑन माय कॉपी. सो डेली आप जो है पिक्चर क्लिक करके फिर डेली अपने नोट्स बनाते थे. आपने जीके के अपने पर्सनलाइज नोट्स बनाए हैं. सो ये हो सकता है सबके लिए स्ट्रैटेजी ना हो, बट अगर जो हमने सिद्धांत का या यथार्थ का देखा उसमें दे हैव क्रिएटेड देयर पर्सनलाइज नोट्स, अपने नोट्स बनाए जीके के लिए. एंड आई थिंक दिस हेल्प्ड यू. व्हाट इज योर स्कोर इन जीके बाय द वे? आई स्कोर्ड 36.5. आई स्कोर्ड 38. राइट जी, 38. सो ऑब्वियसली जो 35 से 40 वाला जो ब्रैकेट है विच इज़ द डिसेंट वन, बोथ ऑफ देम आर इन दैट ब्रैकेट. नेक्स्ट सेक्शन विच वॉज द इम्पॉर्टेंट फॉर यू? नेक्स्ट इज लीगल. लीगल, ओके. सो लीगल के लिए आपने क्या किया, कैसे प्रिपरेशन किया लीगल के लिए? लीगल के लिए जो टीचर्स थे उन्हें कॉन्स्टेंटली बोला कि सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए. राइट. क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वही मोस्टली रिपीट होते हैं. करेक्ट. मेन नेम चेंज आते हैं पर क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं. सो सबसे पहले वही करें क्वेश्चंस. एंड मॉक्स जो थे वो मॉक अपीयर किया. कोचिंग के मॉक्स काफी हेल्प करा उन्होंने. सक्सेस साइड के मॉक्स ने मतलब काफी हेल्प करा. तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे तो मैं बार बार कहता रहा कि लीगल सेक्शन के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है लास्ट 5-6 ईयर्स के क्लैट के क्वेश्चन पेपर्स. अगर आपको उनको सॉल्व कर लिया और आपको मोस्टली टेक्निकलिटीज अगर समझ आ जाती हैं तो मोर और लेस सिर्फ नाम चेंज होना है या क्लॉजेस चेंज होने हैं, एज सिंपल एज दैट. उसके बियॉन्ड बहुत कुछ ऐसा नहीं है. बट आई थिंक लीगल इज मोर अबाउट प्रैक्टिस. इट इज मोर अबाउट कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो. तो हाउ मच, अच्छा
एक चीज़ और जो मैं मिस कर गया वो था कि जीके के लिए डेली आपने कितना टाइम दिया, आपने कुछ सेक्शन वाइज कोई स्ट्रैटेजी थी, टाइमिंग की कोई स्ट्रैटेजी थी कि क्या टाइम देना चाहिए? सर जीके के लिए पर डे नोट्स बनाने पड़ते थे। ओके सर, अराउंड 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स। एंड लीगल के लिए? सर लीगल के लिए एज सच डेली टाइम डिवोट करने की ज़रूरत, मतलब साल के स्टार्टिंग में आप लीगल कॉन्स्टेंटली कर सकते हो, बट साल के एंड एंड तक ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने की मतलब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन से थॉरो हो चुके होते हो कि आपको डेली लीगल प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, तो लीगल मॉक्स के साथ साथ जो पिछले मॉक्स में क्वेश्चन हुए हैं वो आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो, एनालाइज करो, एनालाइज करते रहो आपकी गलतियाँ, तो उससे हो जाता है लीगल। सो उसके बाद व्हाट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू? So English. English. Okay. So GK is the most important you have chosen, then legal and then English. So what is your way of preparing for English? So we referred around 2 books for your English. Okay. One is R.S. Agrawal. And I personally preferred Renan Martin. Okay. So Renan Martin, अक्सर मैंने सुना कि बहुत tough है, I think CLAT में help नहीं करता है। नहीं सर, मतलब सर उसके उससे प्रिपेयर करेंगे तो क्लैट का भी कवर हो ही जाता है सर। ओके और एलिट का भी थोड़ा। सो आर एस अग्रवाल और रेनन मार्टिन फॉर इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम जो आपका कोचिंग का कंटेंट होगा उसके अलावा, हाउ अबाउट यू? सो सेम, मैंने एक्चुअली रेनन मार्टिन नहीं करा था, मैंने आर एस अग्रवाल और TMH होती है टाटा मैग्रो हिल की, एक इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव आती है, तो उन दोनों बुक्स को रेफर करा था। और आई थिंक TMH इज लाइक इट इज़ फॉर द बिगनर्स। ओके And RS is like CLAT level. तो I think अगर आपने अभी recently start किया है CLAT का पढ़ना तो आप TMS को prefer कर सकते हो for the beginning. और जब आप एक through हो जाते हो थोड़ा आपको समझ में आने लगता है then you can go to RS Agrawal. और फिर जो उसके बाद coaching का content होगा, mostly आजकल सभी coaching start करते हैं be it online और offline, तो coaching का जो content होगा that will help you. How about the rest two section? So then the most important I think that it's the math section. Okay. So सो सर जैसे इस साल देख सकते हैं कि जो पेपर कंपेरेटिवली ईजी था लास्ट ईयर्स के कंपेरिजन में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सब्जेक्ट बन जाता है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना पड़ेगा इफ यू हैव टू गेट इनटू टॉप 3 एनएलयू। सो मैथ्स के लिए वी प्रेफर्ड आरएस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो दैट वुड। एंड यू? सर आरएस, आई थिंक आरएस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने भी वही फॉलो करी थी, एंड आई थिंक फॉर क्लैट इट इज इनफ, एक्चुअली मोर देन इनफ। अच्छा इसमें ना एक चीज, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो एक चीज ये आती है कि बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, सो डिड इट हेल्प यू? यस सर, अ लॉट, अ लॉट। एंड व्हाट वाज योर स्कोर रिस्पेक्टिवली इन मैथ्स? सो वन क्वेश्चन वाज ओमिटेड, सो आई स्कोर्ड 17.75। अमेजिंग। एंड 14, राइट। सो ग्रेट, मतलब एक डिसेंट स्कोर है आपका मैथ्स में, एंड दिस इज वेयर यू, बट आई थिंक डू यू थिंक कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होंगे के बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स इज अ चैलेंज फॉर क्लैट? नो सर, नॉट, आई डोंट थिंक सो। व्हाट इज द लेवल ऑफ मैथ्स अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? 9th टू 10th स्टैंडर्ड। 9th, आई मीन टॉपिक्स तो 10th तक ही आते हैं, बट एक्चुअली लेवल थोड़ा ज्यादा है उससे, ऑब्वियसली इतना इजी कर नहीं सकते क्योंकि नेशनल लेवल की एग्जाम है। करेक्ट। बट आई थिंक नॉन PCM बैकग्राउंड या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो भी बच्चे, उनको भी मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हम पर्सनली, हम लोगों ने कोचिंग में भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, उन्होंने भी क्लैट में 10 टू 11 मार्क्स स्कोर करे हैं। करेक्ट। सो जनरली जब आपका मैथ्स का फियर होता है, एट टाइम्स व्हेन यू से कि आई एम नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, सो हाउ विल आई कोप अप विद मैथ्स, तो यहाँ पे इट्स जस्ट अप टू 10th, थोड़ा सा लेवल होगा। ऑफकोर्स जैसे यथार्थ ने बोला कि नेशनल लेवल एग्जाम है, आप बहुत ईजी नहीं कर सकते, बट अगर आपने 10th तक मैथ्स पढ़ा है और आप टॉपिक्स को थ्रू करते हो, आर एस अग्रवाल या मे बी जो भी सजेस्टेड बुक्स हैं उनको थ्रू करते हो, तो मैथ्स आई थिंक यू कैन डू, राइट? उसमें आप कर सकते हो। सो अगर हम एक बार थोड़ा सा इसको फिर से समझने की कोशिश करें कि आपका सेक्शन वाइज प्रायोरिटी एग्जाम, जब आपने रियल एग्जाम लिखा होगा, तो वॉट वॉज द सेक्शन वाइज प्रायोरिटी, फ्रॉम विच सेक्शन यू स्टार्टेड एंड टिल विच सेक्शन यू एंडेड द एग्जाम? Firstly, we started from the GK section. So, both of you. Yes. I mean, this is a common strategy. Yes. Right? So, you started with GK and then? GK mein 8 minutes around. Around 8 to 10 minutes. 8 to 10 minutes. Right. And then? Then legal. Okay. Legal, depending on the length of the legal section. Right. 35 to 40 minutes. Correct. Then we moved on to English. Okay. Yeah, English 20 to 25 minutes we used to give. And then after logic, and then the last will be the maths. Okay. That's all. So this is the, I think, perfect flow. I mean, everyone can have their own flow. ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही flow है, but एक ideal flow this can be.
कि हो सकता है. सो वॉट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ एज अ करियर? क्योंकि एट टाइम्स लॉ इज़ नॉट अ वेरी मेन स्ट्रीम करियर. दो अभी बहुत सारे बच्चे लॉ करने आ रहे हैं, बट स्टिल जो एक इंजीनियरिंग या जो कॉमर्स है जो मेन स्ट्रीम करियर है, उसमें अभी लॉ इज़ येट टू फिट. सो वॉट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, वाई डिड यू चूज लॉ? वॉट इज़ योर मोटिवेशन बिहाइंड गोइंग इन टू लॉ? सर एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी अ जज. ओके. एंड एज आई सेड आई हैव अ फैमिली बैकग्राउंड. बिकॉज ऑफ योर फैमिली बैकग्राउंड, राइट. सो इन ऑर्डर टू बी अ जज आई हैड टू डू लॉ, राइट. तो उससे सर एक सोशल लॉ, मतलब लॉ एज अ सब्जेक्ट इट ऑल्सो हेल्प्स इन सोशल री इंजीनियरिंग. आप सोसाइटी की काफ़ी सारी जो गलत चीज़ें हैं वो आप काफ़ी सारी चीज़ें लॉ, अगर आप लॉ पढ़ा है आपने या अगर आप लॉयर हो या तो आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो सोसाइटी में. तो इट ऑल्सो सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. या इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी एज वेल. हाउ अबाउट यू, बिकॉज यू डोंट कम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, यू डोंट हैव एनीवन एज अ लॉयर इन योर फैमिली, सो व्हाट इज योर मोटिवेशन? तो एक चीज़ हमने समझी थी स्टार्टिंग में कि बिकॉज ऑफ समबडी टोल्ड यू, बट इट्स ऑल अबाउट अ करियर, इट्स अबाउट लाइफ. सो व्हाट इज योर मोटिवेशन टू गो थ्रू दिस? सो फर्स्टली द लॉ सब्जेक्ट आई फाउंड इट प्रीटी इंटरेस्टिंग. ओके. या सर, तो सर जैसे ही मैंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा पढ़ना, सर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करें, तो सर मेरे को लगा कि थोड़ा लिटिगेशन में भी ट्राई कर सकते हैं. तो सर आई एम थिंकिंग कि फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर या एज सच लिटिगेशन में ट्राई कर सकते हैं. लिटिगेशन में, राइट. तो एक और बैरियर यहाँ पे थोड़ा सा डीप आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही कोई लॉ के बारे में सोचना शुरू करता सबसे पहली चीज़ प्लेसमेंट होगा क्या, जॉब लगेगी क्या. बट वी आर सीइंग टू ऑफ यू हु हैव डन वेल, यू वॉन्ट टू बिकम अ जज, you want to start with litigation, yes. Right, bit with no such clarity ki you are dependent on placement, right, yes, but with yes, a clarity of career, right. So ye ek samajhne wali cheez hai jo aksar main bolta hu ki koi bhi career aap choose kar rahe ho chahe law ho, you should have clarity of career and end goal rather than just about ki job dependency ki when I go to a college will I get a job or not. So you can create your own journey. What is your understanding about careers in law? So what if you don't become a judge, what will be the career options you have? Actually sir, there are plenty of options if I am a law graduate. For example, I can be a corporate lawyer in a corporate firm. There are also banks that offer legal advisors and legal, you can be a legal advisor in a bank. It's it's a helping job, right? Then litigation, there is litigation, there is judiciary. You can also work in UN, United right. Nations, as a diplomat. Okay. You can. And in law schools, we also have provided chances to move to foreign countries. Right. True. So then obviously further studies is also an option. It is an option. You can also go in the teaching line. You can be a teacher. You can teach law. Right. So I think. And there are plenty of options. If someone asks you that I am a CLAT aspirant, I want to do good. Okay, what is your suggestion? What are your suggestions to them? How they can prepare to get into national law universities? So, firstly, sir, I would like to tell that first, आपको sitting बनानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि आपको जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट उनको अच्छा करने के लिए टाइम तो लगेगा. करेक्ट. तो जो ये पीरियड होता है कि जुलाई टू लेकर नवंबर और दिसंबर तक का, इसमें आपने वीक पॉइंट्स कवर करिए. ओके. आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको आप बाद में भी कर सकते हैं जनवरी टू मई वाले पीरियड में. करेक्ट. ओके. सो सब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पहले वीक टॉपिक्स कवर करें, राइट, एंड करंट अफेयर्स पे फोकस करते रहिए, डिस्कस करते रहिए. करंट अफेयर्स इज कांस्टेंट, राइट, बिकॉज़ इट कैन गिव यू 50 मार्क्स इन लेस देन 8 मिनट्स. 8 मिनट्स, राइट. So that's my strategy. I would like to do. Sir, I think CLAT is considered easy by those who are not CLAT aspirants. Right. But I think that's not true. Okay. CLAT isn't very easy. Yes, sir. Sir, in order to succeed, I think sitting badhana zaruri jaisa Siddhant ne kaha. Matlab at least if you want to seriously pursue it, at least 8 hours a day, 8 to 10 hours. I think that's sufficient. That's okay. एंड जुलाई से लेके दिसंबर तक ज़्यादातर लोगों के जो दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं सर जो कांस्टेंट है, मतलब जो आपको कांस्टेंटली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे वो हैं इंग्लिश और लॉजिक. इंग्लिश लॉजिक, इसमें यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट. तो सर आई थिंक दिसंबर तक
मैथ्स लॉजिक और इंग्लिश कॉन्स्टेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि आप करंट अफेयर्स तो मतलब साथ में कर ही रहे हो, लीगल एट मतलब साल के एंड तक सबका ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है, तो यू कांट टेक लीड इन लीगल और इन जी के. सर लीड जनरली अगर आपका इंग्लिश और लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी ज़्यादा लीड ले सकते हो, और मैथ्स तो ऑब्वियसली सिर्फ लीड ही दिलाता है. तो आई थिंक इंग्लिश एंड लॉजिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लीड दिलाने के लिए, क्योंकि एक एवरेज बंदा उतना ही स्कोर करेगा जितना आप कर रहे हो, बट अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लीड दिला देता है. तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको साल भर उन दो सेक्शंस को तो करनी चाहिए. करेक्ट. तो इसके बाद मे बी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, और अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो इस वीडियो को देख रहे हो तो आई थिंक प्रोबेबली आपकी एक स्ट्रैटेजी प्लान हो गई है कि क्लैट के लिए व्हाट इज़ द टॉपर स्ट्रैटेजी. दो और चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, वो है कि वन इज़ द टाइम मैनेजमेंट, कि अगर हमें 8 से 10 घंटे जैसे आपने बोला कि हाउ डू आई मैनेज दीज 10 आवर्स. सेकेंड इज़ हाउ डू आई कॉन्सेंट्रेट. एक और चैलेंज जो आता है बच्चों के साथ वो है कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, प्लस डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रहें, बिकॉज इन दिस जर्नी इट इज़ नॉट जस्ट लॉ, देर बी लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड टेल यू कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों करना क्यों नहीं करना. जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ अभी बोली बात बात में कि लगता बहुत ईजी है, जो क्लैट एस्पिरेंट ने उसको लगता है अरे क्या एग्जाम है, राइट 2500 सीट है, 50,000 लोग हैं, निकाल ही लोगे, बट आस्क समवन हु हैज डन इट, इट इज़ नॉट दैट ईजी. सो वॉट इज योर एडवाइस, वन इज ऑन टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड इज हाउ टू बी हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एंड हाउ टू रिमेन डिस्ट्रैक्शन फ्री. सर आई थिंक डिस्ट्रैक्शन फ्री रहने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया को मिनिमाइज करें, राइट जितना मिनिमम यूज कर सके उतना अच्छा है. एटलीस्ट इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट उसको आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सोशल मीडिया, और एक बार आप स्टार्ट करो तो 15 मिनट आधे घंटे कहाँ निकल जाता है यू डोंट नो, काफी टाइम कंज्यूमिंग, वो खत्म होने के बाद भी सर दिमाग में चलता रहता है, राइट. तो यू हैव द आफ्टर इफेक्ट्स आल्सो उसका, राइट. बट देर आर सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आपको हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में, जैसे टेलीग्राम हो गया, वहाँ पे कोचिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं, नोट शेयर होते हैं, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ आते रहती हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर, तो वो हेल्प करता है. बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए साल भर, आई मीन उनसे दूर रहना चाहिए. तो मतलब ओवरऑल ये है कि हमें नॉलेजेबल टूल्स को यूज़ करना चाहिए, नॉलेजेबल सोर्सेज को, एंड जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है उन सोर्सेज को अवॉइड करना चाहिए. तो दैट इज़ वन थिंग टू रिमेन डिस्ट्रैक्शन फ्री. व्हाट एल्स डू यू सजेस्ट. टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि 8 से 10 घंटे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती कि मुझे लगता 20 से 25% या 30% से ज़्यादा लोग 10 घंटे डिवोट करते होंगे, राइट. सो व्हाट डिड यू सी इन योर कोचिंग, जब आपकी कोचिंग में होंगे आई थिंक 100, 200, 300 बच्चे आपके साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, How many did you see actually devoted 10 hours? So actually personally I used to stay in the coaching after the coaching gets over. तो सर कोचिंग खत्म होने के बाद I used to stay around 6 to 7 hours in the coaching. Oh wow. तो सर आधा टाइम तो उसमें ही वहीं पे चले जाता था. हाँ. और फिर सर जैसे ही रात को 11:30 to 12 AM I used to make the topics, I used to write the topics which I used to complete by the next day. हाँ. तो सर उसने भी हेल्प करा मुझे बहुत, राइट. और मैं मतलब जितने टॉपिक्स कवर करने होते थे उससे थोड़े ज़्यादा ही लिखता था, राइट, ताकि कुछ तो हो पाए, मतलब एग्जैक्टली कुछ एडिशनल करने के लिए. ओके. सो एक थोड़ा सा इफ़ यू कैन ब्रीफ हाउ अ डे लुक्स लाइक फॉर अ क्लैट एस्पिरेंट, लाइक फॉर यू हाउ अ डे लुक्स लाइक पूरे 10 घंटे में आप मॉर्निंग से स्टार्ट करने के बाद, हाउ डू यू मैनेज थ्रू आउट योर डे. सर मॉर्निंग में जैसे ज़्यादातर कोचिंग्स की क्लासेस होती हैं, राइट, ड्रॉपर्स की मॉर्निंग में ही क्लासेस होती हैं, तो आई थिंक अराउंड 1 or 2 PM क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तो देन आफ्टर लंच आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं, मतलब आफ्टर लंच 2:30 या एट मैक्स 3 से आप स्टार्ट करिए तो. और कोचिंग में कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी अच्छी थी, रहती है, राइट, तो बच्चे रुक के वहीं पे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते थे. एक और चीज़ है कि हमारे साथ जो मैक्सिमम ऑडियंस होगी वो होगी जो क्लास 12th में हैं अभी, और एक और मेजर चैलेंज जो आता है वो आता है कि हाउ टू मैनेज बोर्ड एंड क्लैट, बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप बोर्ड को भी मिस नहीं कर सकते हो बिकॉज यू हैव प्रेशर टू फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस,
फॉर मैक्सिमम परसेंटेज एंड देन आपको क्लैट भी क्लियर करना है. सो व्हाट इज़ योर सजेशन, हाउ डू यू सजेस्ट कि कैसे उसको बैलेंस किया जाए? सो पर्सनली हम लोग ने तो ड्रॉप लेके किया था. ओके, पर सर मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे आप क्लैट को बिल्कुल क्लैट को छोड़िए मत. राइट. डेली के अगर आप 2-3 आवर्स भी देंगे टॉपिक्स को तो उससे आपका फ्लो नहीं टूटेगा. राइट. और जैसे ही ख़त्म होते हैं आपके एग्जाम्स मार्च में, फिर आप उसके बाद एकदम ऐसा आप एकदम बाहर नहीं हो जाओगे. करेक्ट. आप रहोगे आप लीग में. ट्रू. तो मतलब अगर आप 12th में हैं तो ये समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं आपने सोचा कि वीकेंड पे कर लेंगे. राइट. आपने सोचा सैटरडे संडे हम क्लैट कर लेंगे और बाकी 5 दिन जो है वो पढ़ाई कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं. वो पॉसिबल नहीं है. आपको डेली टाइम देना पड़ेगा. आई थिंक एवरी सिंगल डे, अगर आप 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, बट आई थिंक एवरी सिंगल डे. एंड देन ऑफ कोर्स आपके पास लास्ट में 2 महीने का टाइम होता है फॉर फुल प्रिपरेशन आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स. राइट. सो वॉट इज योर मैसेज फॉर लास्ट मैसेज फॉर क्लैट एस्पिरेंट बिफोर वी स्टॉप दिस वीडियो? सर आई थिंक मेरा मैसेज यही होगा कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चांस एक ही मिलता है, आपको जितना ज़्यादा आप कर सकते हो आपको करना चाहिए. हार्डवर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑब्स्ट्रक्ट भी करती हैं. कुछ कुछ पीरियड आता है ऐसा बीच में, कुछ ऐसे आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. करंट अफेयर्स मोस्टली जीके सेक्शन में. राइट. तो हार नहीं मानिए सर, बस वही बात है. और प्रिपरेशन करते जाइए, क्योंकि एट लास्ट हम लोग के भी मॉक्स जो होते थे उनमें मार्क्स नहीं आते थे जीके सेक्शन में, पर एट लास्ट हर सेक्शन में हम लोग के जितनी उम्मीद से उनसे ज़्यादा मार्क्स हैं. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. राइट. सो वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट क्लैट प्रिपरेशन टुडे एंड विद मी आई रियली फेल्ट प्राउड सिटिंग विद दीज टू गाइज, सिद्धांत AIR 7 क्लैट 2019, यथार्थ AIR 434 CLAT 2019, amazingly well they have done and going to top 3, top 4 National Law University. Siddharth, of course, going to National Law University Bangalore. Right. So it was wonderful meeting you guys. Thank you. I really loved the time we spent and the kind of learnings our viewers will take from this video. Thank you so much for coming here and talking to us. Thank you. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो. कोई आपका क्वेरी हो तो कमेंट करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.